नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। भारत विकास परिषद ब्रज प्रांत की प्रांत स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता। बता दें कि स्वर संगम राष्ट्र स्वरों का आयोजन दिनांक 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को उत्कर्ष शाखा फिरोजाबाद के आतिथ्य में श्री रामचंद्र पालीवाल ऑडिटोरियम फिरोजाबाद में अत्यंत ही भव्यता के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बता दें कि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा, राष्ट्रीय चेयरमैन पब्लिसिटी डॉक्टर केशव दत्त गुप्ता, क्षेत्रीय वित्त सचिव प्रवीण गर्ग आदि तमाम लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी जिलों से शाखाओं के विद्यालयों की टीम ने भाग लिया। ब्रज प्रांत अध्यक्ष प्रमोद सिंघल ने समस्त उपस्थित जनों के मध्य प्रांत की ओर से स्वागत भाषण एवं शाखा की ओर से शाखा अध्यक्ष दीपक अग्रवाल द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। इस मौके पर तमाम लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित। आज पालीवाल हॉल में फिरोजाबाद में भारत विकास परिषद की ब्रज प्रांत की जो है समूह गान प्रतियोगिता, उसका आयोजन हो रहा है। और ये प्रतियोगिता हमारे भारत विकास परिषद फिरोजाबाद की उत्कर्ष शाखा है, उन्होंने आयोजित की है। इसमें ब्रज प्रांत के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी यहाँ सम्मिलित हैं और वे हमारे अतिथि रूप में यहाँ पे शामिल हैं। और आज की प्रतियोगिता में लगभग 15 से 16 स्कूल जो हमारी राष्ट्रीय गीत की पुस्तक है चेतना के स्वर, जो पूरी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, उसी के में से हम सारे गीत लेते हैं और उन्हीं गीतों से बच्चों के अंदर वो भावनाएँ जागृत हों, उन गीतों से हम यहाँ पर समूह गान की प्रतियोगिता कराते हैं। और ये प्रतियोगिता जिला लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक जाती है। जो बच्चे यहाँ से आगे बढ़ेंगे वे राष्ट्रीय लेवल तक जाएंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे जो बच्चे हैं जो अभी जो है वो मोबाइल के जरिए या इन सब चीज़ों में पढ़कर जो अपने उद्देश्यों से भटक रहे हैं, वो हमारे इन गीतों से, राष्ट्रीय देशभक्ति गीतों से थोड़ा सा अपने देश को समझें और अपने देश को, देश के लिए समर्पित रहें। मैं प्रमोद सिंघल, ब्रज प्रांत अध्यक्ष, भारत विकास परिषद। यह राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पर रखा है और यह प्रतियोगिता हमारी पूरे प्रांत की सभी शाखाओं के द्वारा कराई जाती है और स्कूलों में यह प्रतियोगिता होती है। और इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वह बच्चों में जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना का से ओतप्रोत लबालब यह युवा पीढ़ी हमारी हो, यह हमारा उद्देश्य है। और इसमें सभी शाखाओं की टीम यहाँ पर उपस्थित है और उनका कंपटीशन है राष्ट्रभक्ति से संबंधित गानों का, और जो विजयी टीम होगी यहाँ से वो आगे हमारा जो क्षेत्रीय हमारा जो कंपटीशन होगा मुरादाबाद में वह यह टीम जाएगी। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर टीम प्रतियोगिता होती है हमारी, वहाँ पर यह टीम जाती है। और भारत विकास परिषद का उद्देश्य स्वस्थ संस्कारित भारत, स्वस्थ समृद्ध और संस्कारित भारत का जो उद्देश्य है भारत विकास परिषद का, उसके लिए भारत विकास परिषद यह कार्य करता है। देशभक्ति का जो बच्चों में जो ऊर्जा देती है इन गानों के माध्यम से। आज ये ब्रज प्रांत के द्वारा स्वर संगम राष्ट्र स्वरों का राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर शाखा के आतिथ्य में किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो ब्रज प्रांत है उसमें 4 जिले आते हैं, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। इन चारों जिलों से टीमों, शाखाओं की टीमें आई हुई हैं और यह प्रतियोगिता 4 चरणों में होती है। जो शाखा स्तर, आज जो द्वितीय चरण है वो प्रांतीय स्तर इस प्रतियोगिता का आयोजित किया जा रहा है, इस पर रामचंद्र पालीवाल ऑडिटोरियम में। और इसके अलावा अतिरिक्त 6 नवंबर को काशीपुर में इसका
उसका रीजनल स्तर का किया जाएगा और उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है और राष्ट्रीय स्तर पर कई बार हमें इस प्रतियोगिता में महामहिम राष्ट्रपति जी का भी सानिध्य प्राप्त हो चुका है। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य इतना है, केवल हमारी भावी पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना का जागृत हो, हमारे भारतीय संस्कृति को समझें और संस्कार उनमें उत्पन्न हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा और हमारी प्रांत की जो मीडिया प्रभारियां श्रीमती ऋचा जिंदल जी के द्वारा आज कवरेज किया गया है वह वाकई में उल्लेखनीय है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।